राधा अष्टमी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गईं। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे उनके पास पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ था। दानव के रूप में जन्म लेने के बाद भी वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी कीर्ति देवी के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नामक एक वैश्य से होगा, हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वह बिछुड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद की शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती है और घर में बरकत बनी रहती है। इस साल राधाष्टमी 23 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। देवी राधा देवी माँ लक्ष्मी का ही अंश है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि देवी राधा के जन्मदिन यानी भाद्र शुक्ल पक्ष के अष्टमी तक जो साधक देवी राधा की पूजा करते हैं और राधा मंत्रों का जप करते हैं, उन पर देवी लक्ष्मी की खास कृपा हो जाती है। वेद और पुराण में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है, वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी श्री कृष्ण प्रिया थी।